अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वेलकम व्यूअर्स, मैं मुजम्मिल हुसैन और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। फाइंड डेरिवेटिव dy/dx इफ हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है। इससे लास्ट वीडियो में इसके हम एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व कर चुके हैं और चेन रूल को डिस्कस किया है, कुछ इसके रूल्स भी डिस्कस कर रखे हैं, तो रूल्स का जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या आ रहा है, इस एक्सप्रेशन को हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स के अतबार से इसका डिफरेंशिएट करना है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं। तो डेरिवेटिव राइट करेंगे फर्स्ट ऑफ आर इसकी और ये सारी वैल्यूज आ जाएंगे 3x + 4y + 7 = 0। फर्दर सम का एक रूल था हमारे पास कि हर एक का अलहदा अलहदा डेरीवेटिव राइट करते हैं, तो ये 3 आ जाएगा डेरीवेटिव ऑफ एक्स प्लस 4 राइट करेंगे और डेरीवेटिव ऑफ वाई प्लस डेरीवेटिव ऑफ 7 = 0। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, 3 डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है हमारे पास 1 और 4 आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy/dx राइट होते हैं। इसको लिखेंगे जब भी वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले रहे हैं तो dy/dx आ जाएगा और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 और = 0। अब हमें कहा गया कि dy/dx फाइंड आउट करें, तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है xy + y² = 2। इसको डिफरेंशिएट करना है सेम वही मेथड जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो राइट किया जी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, xy + y² = डेरिवेटिव ऑफ 2। अब इसको हम अलग अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वेयर और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। अब अगेन स्टूडेंट इसमें जो डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई दोनों वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने 2.3 में डिस्कस कर रखा है कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं जब कोई से दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएं। तो इसको आप प्रोडक्ट फॉर्म इसका लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो प्रोडक्ट रूल में ये जो फर्स्ट फंक्शन एक्स हमारा ये सेम आ जाएगा और वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy/dx आ जाएगा हमारे पास, प्लस लगाते होते हैं। और जो फर्स्ट फंक्शन एक्स है उसका डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव 1 और इसी तरह से साथ में आ जाएगा वाई सेकेंड, उसी तरह से दोबारा से रिपीट कर लें, एक्स वाई प्रोडक्ट फॉर्म में आ रहे हैं तो फर्स्ट फंक्शन सेम आ गया, वाई का डेरिवेटिव dy/dx आ जाएगा प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और सेकंड फंक्शन सेम राइट कर दिया। और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, पावर लगाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पावर 2 शुरू में आ जाएगी, पावर वाई 2 में से एक काम करेंगे। पावर रूल क्या है हमारे पास, किसी भी वेरिएबल की पावर आ जाए तो पावर को शुरू में राइट करते हैं, पावर में से एक काम कर दिया 2 - 1 और विदाउट पावर इस वाई का फर्दर डेरिवेटिव dy/dx आ जाएगा = 0। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई तो ये बन जाएगा हमारे पास dy/dx अगर इन दोनों में से कॉमन राइट कर लें तो ये बन जाएगा x + 2y और ये dy/dx, इन दोनों में से dy/dx कॉमन राइट कर दिया और ये प्लस का वाई दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का वाई। अब यहाँ से हमने dy/dx निकालना है तो ये आ जाएगा dy/dx और ये -y/x + 2y, तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव हमने निकाल लिया है। तो ये हमारा आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। 3 में x की पावर 2 - 4xy - 5y = 0। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं अगेन उसी तरह से, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x राइट किया, अब इसको हम डिफरेंशिएट की फॉर्म dx(x²-4xy-5y) = 0। अब इसके ऊपर हम अलग-अलग से डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, तो ये फर्स्ट मीन्स के डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 2 - 4 कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई -5 कॉन्स्टेंट और डेरिवेटिव ऑफ वाई = 0। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ दिस वन मीन्स के x² का पावर रूल अप्लाई करेंगे तो x की पावर जो है 2 शुरू में आ जाएगी और पावर में से एक कम करेंगे तो एक आ जाएगा माइनस का 4। अब यहाँ पे एक्स वाई अगेन क्या हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म में आ रहा है तो इसको आपस में प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, एक्स का आ जाएगा सेम फर्स्ट फंक्शन उसी तरह से और वाई का डेरिवेटिव लिखेंगे dy/dx प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा
और y सेम आ जाएगा उसके साथ, माइनस फाइव और y का डेरिवेटिव dy वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू जीरो राइट कर देंगे। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यह देगा टू एक्स माइनस फोर एक्स डी वाई बाय डी एक्स, माइनस फोर को इससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ये माइनस और ये प्लस माइनस, यह देगा माइनस फोर वाई और ये वाला उसी तरह से माइनस का फाइव डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर तो यहाँ से हमारे पास ये आ रहा है टू एक्स माइनस फोर वाई और डेरिवेटिव वाली वैल्यूज़ यहाँ पे राइट कर लेते हैं डी वाई डी एक्स, इन दोनों वैल्यूज़ को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास फोर एक्स और ये प्लस का हो जाएगा फाइव, इन दोनों में से डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉमन राइट कर दिया, डी वाई डी एक्स इन दोनों में से कॉमन राइट कर लें, यानी ये हमने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया और ये टू एक्स आ जाएगा उसी तरह से माइनस का फोर वाई राइट कर देंगे। ये हमने वैल्यूज़ जो है ये माइनस वाली दोनों प्लस में रख दी हैं, एक तरफ शिफ्ट कर दिए, डी वाई डी एक्स इन दोनों में से कॉमन राइट कर दिया है, ये प्लस का फोर एक्स और ये प्लस का फाइव हो जाएगा और ये टू एक्स माइनस फोर वाई उसी तरह से लिखा हुआ है। अब फर्दर हम क्या करते हैं डी वाई बाय डी एक्स हमें मालूम करना है, ये फोर एक्स प्लस फाइव जो है इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा फोर एक्स प्लस फाइव, तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व करते हैं जी। अब इसको भी अगेन से हम वही मेथड है कि डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हर एक का अलग अलग डेरिवेटिव राइट कर देते हैं, डायरेक्ट राइट कर देता हूँ मैं इसका, तो फोर आ जाएगा शुरू में डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर टू, यहाँ पे जो टू एच है ये कांस्टेंट है हमारा स्केलर है तो टू एच को हम उसी तरह राइट करेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई और अगेन ये बी कांस्टेंट आ रहा है इसको राइट कर दें शुरू में और डेरिवेटिव वाई स्क्वायर का, फर्दर टू जी राइट करेंगे और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास एक्स का प्लस टू एफ वाई, कांस्टेंट हमारी वैल्यू है तो डेरिवेटिव ऑफ वाई आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स और फर्दर इसका डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट राइट करेंगे सी का, डेरिवेटिव ऑफ सी इज इक्वल टू ज़ीरो राइट कर दें। अब इसको हम फर्दर डेरिवेटिव इनके राइट करेंगे, इसका पावर लगाएंगे तो पावर इसकी आ जाएगी शुरू में, पावर में से एक कम किया तो एक्स आ जाएगा और फर्दर एक्स का डेरिवेटिव वन होता है विदाउट पावर और इसी तरह से इसका टू एच आ जाएगा सेम, लेकिन इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल हमें अप्लाई करना है, एक्स का फंक्शन सेम आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन उसी तरह से, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स का डेरिवेटिव वन और y उसी तरह से आ जाएगा सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन उसी तरह से लिखें सेकंड का डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव सेकंड सेम आ जाएगा, तो इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया और ये आ जाएगा y का पावर टू आ रहा है पहले तो हम इसकी b और पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में पावर में से एक काम करेंगे y और y का फर्दर डेरिवेटिव विदाउट पावर होता है dy by dx, x का विदाउट पावर वन होता है और y का विद रिस्पेक्ट टू x अगर ले रहे हैं तो वो dy by dx आ जाएगा प्लस टू जी और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा ये वन आ जाएगा प्लस टू एफ तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा इसी तरह से डी वाई बाई डी एक्स और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो राइट करेंगे। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा फोर टू टाइम एट एक्स प्लस ये वाला आ जाएगा टू एच और साथ में एक्स इस टू एच को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर टू एच एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू एच वाई प्लस इन दोनों को करेंगे तो टू बी वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू जी प्लस टू एफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको हम फर्दर क्या करते हैं कि डेरिवेटिव वाले जो डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स ये कॉमन राइट कर देते हैं तीनों में से, तो इसका जो अधिसार है ये हमारे पास क्या बन जाएगा टू एच एक्स और इसका अधिसर क्या है प्लस का टू बी वाई और इसका है प्लस का टू एफ, अब इन दोनों का डेरिवेटिव जो है डी वाई बाई डी एक्स कॉमन राइट करते हैं बराबर, ये जो विद और डेरिवेटिव के आ रहे हैं बाकी उन दोनों को सबको उस तरफ शिफ्ट करेंगे प्लस का एट एक्स दूसरी तरफ जाके माइनस का एट और ये आ रहा था प्लस का माइनस का टू एच वाई, ये प्लस का टू जी इस तरफ आके माइनस का टू जी हो जाएगा। अब फर्दर हम क्या करते हैं ये मल्टीप्लाई हो रहा है सारे का सारा फैक्टर उसको उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स
इन तमाम में से माइनस का टू कॉमन राइट कर देते हैं, ओनली टू कॉमन ले लेते हैं। ये फोर टू टाइम एट माइनस का फोर, ये माइनस का एच वाई और ये माइनस का जी, और इसको डिवाइड कर देंगे इन तमाम में से, इनका भी टू कॉमन राइट करके लिख सकते हैं, टू कॉमन, और ये एच एक्स और ये बी वाई प्लस एफ, और ये टू टू से कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से ये हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स माइनस फोर एक्स माइनस एच वाई माइनस जी बाय एच एक्स प्लस बी वाई, और ये प्लस का एफ आ जाएगा। और अगर आप इसको फर्दर करना चाहते हैं तो माइनस कॉमन राइट कर दें, तो ये हमारा बन जाएगा प्लस का फोर एक्स प्लस का एच वाई प्लस का जी और डिवाइडेड बाय एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। दोनों ठीक हैं, यहाँ तक काफ़ी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।